राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी का उम्र कैद में बदल जाना और राज्य सरकार का उनकी रिहाई का रास्ता साफ करना कई बुनियादी सवाल खड़े कर रहा है और उन सवालों में सबसे अहम यह है कि क्या इंसाफ इस देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है या इस कथन के साथ कई अनकही शर्तें भी जुड़ी हैं। ये है राजीव गांधी के हत्यारे। मुमकिन है चंद दिनों में रिहा होकर ये आजाद घूमते हुए दिखाई दें। राज्य सरकार ने अपने विशेष अधिकार के तहत राजीव गांधी की हत्या में शामिल दोषियों को छोड़ने का फैसला कर लिया। आइए पहले ये समझें कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या की सजा फांसी या उम्र कैद है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 433 ए ये व्यवस्था देती है कि 14 साल से पहले उम्र कैद के दोषियों को छोड़ा नहीं जा सकता। अमूमन इस व्यवस्था का तर्जुमा राज्य सरकारें अपनी सुविधा के हिसाब से करती हैं और मतलब निकाला जाता है कि दोषियों को 14 साल की कैद के बाद सजा माफी दे रिहा किया जा सकता है। पर क्या ये सियासी तर्जुमा नहीं? अब सरकार का ये फैसला केंद्र के पास सीआरपीसी की धारा 435 के तहत अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। लेकिन अगर दो दिन के भीतर केंद्र का जवाब न आया तो सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकार खुद ब खुद रिहाई का फैसला लेने को आजाद होगी। अगर उम्र कैद का मतलब जिंदगी भर की कैद का होना है तो 433 ए के साथ इसका विरोधाभास क्या इंसाफ की राह पेचीदा नहीं करता? इस पूरे घटनाक्रम से निकले बुनियादी सवालों पर एक निगाह। सवाल नंबर एक, क्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों की रिहाई भी मुमकिन है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या असल में देश के खिलाफ साजिश से कम नहीं, और ऐसे में दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसे अपराध को अंजाम देने वालों को उनके देश के कानून के मुताबिक सबसे सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित करता। पर हमारे मुल्क में ये मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? सवाल नंबर दो, इंसाफ का मिलना असलियत है या छलावा? अगर पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जितने अहम मामले में भी इस देश की सरकारें जरूरी हिम्मत और इच्छा शक्ति न दिखा पाए और मामला सियासत की नजर हो जाए तो ये चूक आखिर किसकी है? सवाल नंबर तीन, कई मामलों में फांसी केवल कानून की किताबों तक ही सीमित है। फांसी की सजा का प्रावधान हो या खत्म हो जाए ये अलग बौद्धिक बहस है, लेकिन प्रावधान के होने के बावजूद भी इतने अजीम गुनाह को अंजाम देने वाले भी आखिरकार इससे बच निकले तो इंसाफ कई बार क्या मृगमारी चिका है? ऐसे में छावला सामूहिक बलात्कार के दोषियों को निचली अदालत से फांसी दिया जाना और इस फैसले के बाद दो साल से हर पल इंसाफ की बाट जोह रहे पीड़ित परिवार के चेहरे पर राहत और संतोष के भाव असलियत माने जाएं या छलावा? इंसाफ में देरी तो खैर नाइंसाफी है ही, पर देरी के बावजूद भी हासिल क्या सिर्फ सियासत होगी? समय के लिए दिनेश गौतम।